संपूर्णा नगर किसान सहकारी चीनी मिल। ये मिल अपने आप में किसानों के लिए असंतोष की वजह बन गई है, जानिए कैसे। क्रेन आप देख रहे हैं कि खराब पड़ी और ये क्रेन किसानों के ट्रकों, ट्रालियों और दूसरे वाहनों से गन्ना उठाकर एक्सेलर में डालती है, जहां से गन्ना सीधा फैक्ट्री को पहुंचता है। लेकिन क्रेन के खराब होने की वजह से आप देख रहे हैं किसानों को अपने आप ही एक गन्ने को उठाकर मशीनों में डालना पड़ रहा है। ये वो हिस्सा है जहां से गन्ना सीधा सीधा पेराई मशीन के अंदर जाता है, लेकिन किसान अपनी जान को निकाल कर इस गन्ने को अपने हाथों से डालते हैं, जिसकी वजह से कभी भी पैर फिसलने पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और किसानों की जान जा सकती है। लेकिन संपूर्ण नगर की मिल वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने लाभ से लाभ है। इस बात को लेकर किसानों में बेहद आक्रोश है। आइए हम आपकी मुलाकात उन किसानों से भी कराएंगे और उनसे बात भी कराएंगे जिनमें इसको लेकर आक्रोश है, क्योंकि ये मजदूरों का काम है, मशीनों का काम है। वहां पर अपना गन्ना लेकर आने वाले किसानों का काम तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने वाहनों से गन्ने को अपने हाथों से उठाकर इस मशीन में डालें, जहां पर जरा सी चूक का मतलब होगा बेहद दर्दनाक मौत। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति फिसल कर ट्रॉली से इस मशीन में गिरता है तो कन्वेयर बेल्ट उसको सीधे पिराई के अंदर ले पिराई मशीन में ले जाएगी, जहां उसकी हत्या कर दी जाएगी। आइए किसानों से बात करते हैं। उसके बाद भी क्या नहीं बना सर, एक दिन दिन में चार घंटे लगातार भीग के गया हूँ, तब भी क्या नहीं बना है। उसके बाद फिर मैं बड़ी टाइम लगा के अपना गाड़ी खाली करके गया हूँ। मतलब इसी तरह 22 में भीगते हुए आपने पूरा गन्ना उतारा है? पूरा 22 में भीगते हुए। हाँ जी बोलिए। इस फैक्ट्री को चले हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने से ये समस्या है। हमारा यही काम है, हम लोग आते हैं अपने हाथ से गन्ना फेंकते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जीएम के पास आप लोग गए थे? जी गए थे, वो खाली आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, होता कुछ नहीं। आज तक अभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए आपके सामने बहुत दुखी है, अभी भी टोल बंद है। गन्ना वगैरह आप लोग खुद ही फेंकते हैं? हाँ जी, गन्ना वगैरह खुद ही आप लोग डालते हैं? जी बिल्कुल, मजबूरी है, हमें घर को जाना है, सुबह से बैठे हैं, अभी गन्ना डालेंगे तभी तो वापस आएंगे ना। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तोल समय से नहीं करते हैं, आगे हम लोग घंटे लाइन लगानी पड़ती, दो दो घंटे यहाँ पे, और ये 2 बजे से ट्रेन खराब ही तक बना रही है, हम लोग 3 घंटे से आ गए हैं और खड़े हैं लोग 3 घंटे से। आप क्या ये अक्सर प्रॉब्लम बनी रहती है? हमेशा की प्रॉब्लम, डेली की प्रॉब्लम है। आप लोग खुद ही गन्ना जो फेंकते हैं? आप तो देखा ही है, हम लोग कभी कभी खुद फेंकना पड़ता है, जल्दी होती है तो। जला बेटा, क्या कारण है कि जो है किसान अपने आप जो है गन्ना उतार रहे हैं? गन्ना अपने आप कोई कहा नहीं था, मेरे पास फुटेज पड़ी है फिलहाल में। ठीक है, उनको कोई कहा नहीं है, ये अपने आप उतार रहे हैं, कोई नहीं कहा। तो जो आपकी क्रेन जो है लगभग जो है 11 बजे बंद है, क्या कारण है ये जो अभी तक नहीं सही हो पाई है? ड्यूटी जो है 6 बजे शुरू हुई जी, उसके पहले क्या हुआ हमें बता पाएंगे, लेकिन मतलब जो है अगर 11 बजे से किरान बंद है, उसके बाद जो आपने जो एक भी गन्ना तोला, मतलब टाली है तोला ही नहीं है? टालियाँ तोली हैं, टालियाँ तो खाली हो रही हैं जी, दूसरे खाली हो रही। जो मेरे पास फुटेज पड़ी है वो किस आधार पे है? मैंने तो जो फुटेज आपके सामने ही ली है, किस तरह से जो है, लेकिन इसकी कंप्लेन आपके पास गई है? हम तो देखे हैं कि एक फादी गन्ना गिराया, फिर किसान द्वारा चला गया। लेकिन आपके पास इसकी कंप्लेन पहले से आई है कि नहीं आई है, कि पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार तो ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ है? पहली बार देखा है। हाँ, आप लोग बताइए। डेली का यही काम है, इसी तरह करंट निकाल जाती है? आप लोगों ने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई नहीं। सर मैं चाहूँ